हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आड़ी कुकिंग। मैं हूं पूनम और आज मैंने बनाया है ये साबूदाना, जो कि बहुत ही खिला खिला सा साबूदाना है। एकदम सिंपल सी और प्यारी सी रेसिपी है। मैंने इसका फ्लेवर स्पाइसी रखा है, तो चलिए बनाते हैं इसे। यहाँ मैंने लिए हैं साबूदाने, जिसे मैंने भिगो दिया था लगभग 6 घंटे पहले। एक मेन टिप है कि जब आप भिगोएं इसे तो उतना पानी डालें जिसमें सिर्फ डूब जाए साबूदाना, उससे ज़्यादा नहीं। अब एक मैंने पैन उठाया है यहाँ पे। पैन हमेशा नॉन स्टिक ही उठाया साबूदाना बनाने के लिए, ताकि चिपके ना साबूदाने। इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल का लिया है। इसे थोड़ा गर्म करने देंगे, इसे हम ऐड कर देंगे जीरा, 1/2 छोटा चम्मच जीरा। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्ची स्किप भी कर सकते हो। इसका मैं फ्लेवर थोड़ा तीखा बना रही हूँ, तो इसके मैंने हरी मिर्ची इसमें ऐड की है। तो थोड़ा सा पकने देंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड आलू, जो कि 4 आलू थे मेरे पास छोटे बॉइल, उसे मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काटा है। इसे हम ऐड कर लेंगे। एकदम झटपट वाली रेसिपी है, फास्ट बन जाती है, इसलिए मैं इसमें बॉयल्ड आलू डाल रही हूँ। अगर हम कच्चे वाले आलू डालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको पकाने में, बॉयल्ड आलू जल्दी से पक जाते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। अभी मैं सिर्फ आलू की जितना नमक ऐड कर रही हूँ इसमें, लगभग 1/2 छोटा चम्मच जितना। स्वाद अनुसार आप नमक डालिए। और जब हम साबूदाने डालेंगे तब साबूदाने में अलग से ऊपर से नमक डालेंगे। इसको मिक्स कर देंगे और कुछ देर ढककर इसको थोड़ा सा पकने देंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें इसे ढक के रखना है। यहाँ मैंने पीनट्स उठाए हैं, मूंगफली, इसको मैंने थोड़ा सा तवे पे जस्ट सेका हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ। आलूओं को घुमा देंगे। ये मैंने पीनट्स को क्रश कर लिया है, इनके जो छिलके थे वो भी मैंने निकाल लिए हैं, इनको मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं, आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग। मेरे बेटे को ये मूंगफली इस तरह पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसे डालती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, काली मिर्ची 1/2 छोटा चम्मच, और इसमें मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स 1/2 छोटा चम्मच। इनका काफ़ी अच्छी टेस्ट आता है इसमें साबूदाने में, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स का। इसको मिक्स कर देंगे मसाले में। बस अभी हमें ऐड करने हैं साबूदाने, क्योंकि एकदम खिले खिले बनने वाले हैं, क्योंकि हमने इसमें कम पानी डाला था भिगोते वक्त। और ट्राई करें कि काफ़ी 5-6 घंटे तक भिगो के रखें आप। अगर आप सवेरे बना रहे हो तो रात में आप भिगो दें तो बेटर रहेगा, और शाम में बना रहे हो तो सुबह भिगो दें इसे। बस इसे इसमें मिला देना है आलू के मसाले में। अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक, क्योंकि मैंने साबूदाने में पहले नमक नहीं डाला था। आप चाहें तो भिगोते वक्त भी नमक डाल सकते हैं। तो मैंने आलू में अलग नमक डाला है, साबूदाने में अलग डाला है। पूरा नमक एकदम से आलू में मत डालें, तो आलू एकदम नमक नमक लगेगा और साबूदाने फीके लगेंगे, इसलिए मैं अलग अलग नमक डाल रही हूँ। तो बस ये हमारे रेडी हैं। इसे हमें झटपट 2 मिनट मिक्स करना है, ढक के नहीं पकाना है, नहीं तो ये चिपक जाएंगे, खिले खिले नहीं बनेंगे। इसे बस हमें मिक्स कर देना है और हमारे साबूदाने रेडी हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये गैस ऑफ कर देना है। देखिए हमारे साबूदाने रेडी हैं, बिल्कुल कितने अच्छे लग रहे हैं, खिले खिले बने हैं, बिल्कुल चिपके नहीं हैं। और आप कोशिश कीजिए कि इसको नॉनस्टिक में ही बनाएं। मैं ऊपर से थोड़े से मूंगफली के दाने इसमें डाल रही हूँ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।